सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज की वीडियो एक तरह से एक वीडियो नहीं, एक जस्ट फीडबैक है टू अर्बन क्रैप कंपनी। यस, क्रैप इंटेंशनली, क्योंकि क्योंकि ना ये हमेशा मैंने इनसे कोई ना कोई बुकिंग कराई है तो हमेशा या तो 2-3 घंटे लेट आते हैं या कैंसिल हो जाती है या बंदा मना कर देता आने के लिए। तो आज भी ऐसी हुआ, एक और बुकिंग मैंने कराई। सो मेरे को अगले बंदे कॉल भी नहीं आया, तो जब बुकिंग में वो आया नहीं हाफ एन आवर बाद, तो मैंने उसे कॉल किया तो कह रहा मेरे को सेम टाइम की एक और बुकिंग है जो मेरे घर से समझ लो 15-20 किलोमीटर दूर है, तो वो कह रहे हैं उसके बाद आ जाऊँगा। तो यार ये कैसे करते हो, मतलब तुम इतनी घटिया ऐप तुमने क्या बनाई है? तुम्हारे बंदे प्रोफेशनल जो तुम्हारी बेसिकली रेपो बनाना चाहते हैं, मतलब बनाना नहीं चाहते, बिगाड़ना चाहते, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेपो बनाए, वो ऐसे कैसे कर रहे हैं? मतलब कुछ तो करो इसके लिए, नहीं तो तुम अर्बन क्रैप ही नाम रख लो। अर्बन कैप भी लायक नहीं थे और अर्बन कंपनी के तो बिल्कुल लायक नहीं हो, तो अर्बन क्रैप कंपनी बोल सकते हो उसको। ठीक है, सुधर जाओ, नहीं तो और कोई आएगा तो पता चल जाएगा बिजनेस कैसे होता है। सो एक बात और मुझे ध्यान आई, जो मेरे कई बार मेरी बुकिंग के साथ हुआ हुआ है कि आपके जो अर्बन कैब के अर्बन कंपनी के जो बंदे आते हैं ना, वो आके बोलते हैं कि आप यहाँ से कैंसिल करके आप हमसे पर्सनल करवा लो। तो आई थिंक यही कहने का रीज़न हो सकता है कि आपकी सर्विसेज कभी टाइम पे नहीं हो पाती। सो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दो यार, आपके जो बंदे आप जो इनको भेज रहे हो, वो लोग अपने खुद का बेनिफिट करने लगते हैं, उनको सिर्फ आपसे कॉन्टैक्ट चाहिए। आप लोगों को क्या पता नहीं है ये बात? आपके अगर फीडबैक अगर आप मेरे को बोलो तो 90% ऐसा हुआ है कि आपके बंदे ने बोला कि आप अर्बन कैप में कैंसिल कर दो क्योंकि आपको यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, आप मेरे को डायरेक्ट कर दो तो आपको कोई भी विजिटिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ करो मतलब सर्विसेज, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप अर्बन कंपनी से बुला लो या समथिंग, लेकिन अब आपकी सर्विसेज बेकार होती जा रही है, आपके लोग आपकी कंपनी ही बंद करवा देंगे, फिर क्या अर्बन कंपनी रहेगी? तो थोड़ा सा ध्यान दो, लोगों से फीडबैक लिया करो कॉल करके उसके बाद में कि उन्होंने क्यों कैंसिल किया है, क्या हुआ है रीज़न, और बेनिफिट लोगों को आप दो ताकि उनको ये जो आपके जो जो भी आपके बंदे आते हैं उनसे ये बेनिफिट ना लेना पड़े। मतलब वो लोग हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट देते हैं और अपनी कैंसिल करवा देते हैं, तो थोड़ा डील करो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, उनकी भी अगर ज़्यादा कैंसिल होती है तो उनकी भी रेटिंग पर फ़र्क पड़ना चाहिए, और जो लोग फीडबैक देते हैं उसको भी पढ़ा करो। मतलब अगर जो आज की बात करूँ, जो आने वाला था बंदा, उसके फीडबैक में इतना नेगेटिव था तो आपने क्या किया उसके लिए? तो प्लीज़ मतलब अच्छी सर्विसेज हैं, अच्छा था अब नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा काम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा फीडबैक ये है, अगर कुछ गलत बोला हो जस्ट बिकॉज की चीज़ें गलत हो रही है, स्पेशली मुझे जाना पड़ रहा है उस काम के लिए, तो आपकी सर्विसेज का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, तो पॉजिटिवली लो, और भी फीडबैक की ज़रूरत है तो कमेंट कर देना, तो मैं कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, चलो बाय।